The title track of Imran Hashmi, Tanushree Dutta and Sonu Sood star a romantic thriller Aashiq Banaya Aapne 2005 is one song that changed the face of music composer and singer Himesh Reshammiya's career. The song, picturized on the sizzling hot pair of Imran and Tanushree, topped the music charts for several weeks after its release and made Reshammiya the new music sensation. As is the trend nowadays, the superhit song has been revisited 13 years after its release for Urvashi Rautela, Vivian Bathena and Karan Vahi starrer Hate Story 4. The new version of Aashiq Banaya Aapne has been crooned by Neha Kakkar and retains a few lines from the original sung by Reshammiya. It also has additional lyrics by Manoj Muntashir, the composition of which has been taken care of by Tanishq Bagchi. The song has been picturized on the super sexy Urvashi Rautela, who not only kills with her seductive dance moves, but also lures with her hypnotizing eyes. Clad in a sweltering black outfit, she creates her own heat wave and how. जब ये गाना आया था हमारे पास तो जैसे कि मैं more than 10 different dance forms करती हूँ तो मैंने हमेशा से सोचा था कि कुछ different हम करें इस song में. As we all know, Yanis Marshall जो बाहर ये choreography करते हैं particular heels choreography जैसे बोलते हैं हम, तो मैंने सोचा क्यों ना हम वो करें. तो इस तरीके से हम वो हील्स कोरियोग्राफी को पूरा कॉर्पोरेट करके हमने इस सॉन्ग में डाला है और आई होप आपको पसंद आया कोरियोग्राफी. सब पूरे हमने इतने लॉन्ग हील्स 5 inches हील्स में कोरियोग्राफी की. इट्स नॉट दैट इजी बट इट्स लुकिंग वेरी एफर्टलेस. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अमेजिंग सॉन्ग्स अभी तक मिलते हुए आए हैं. एंड द मोमेंट आई सॉ द वीडियो, मुझे विशाल ने दिखाया वीडियो आशिक बनाया का, और शायद मैं इतनी पागल शायद ही किसी वीडियो को देखकर हुई होंगी जो मैंने देखा. आई थिंक उर्वशी हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब. मतलब वो क्या लगी हैं, क्या डांस किया है, क्या डांस किया. आई थिंक एफर्टलेसली इतना कमाल डांस किया. आई थिंक लोग बार बार बैक टू बैक देखने वाले हैं. ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि विशाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं. वन ऑफ द वेरी फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव, उनमें से एक विशाल हैं. तो इनकी मूवी के लिए था तो और खुशी की बात थी. आई थिंक मोस्टली सुपरहिट रिक्रिएटेड सॉन्ग्स मैं प्राउडली कहती हूँ मैंने गाए हैं, है ना. तो मुझे ये लगता है बिकॉज जनता इतना ज़्यादा पसंद करती है इन गानों को. म्यूज़िक तभी ऐसा बन रहा है, इस तरह का म्यूज़िक बन रहा है, रिक्रिएट हो रहा है क्योंकि वो लोग इन्जॉय करते हैं. आशिक बनाया अनकन्वेंशनल गाना है, तो एक अनकन्वेंशनल गाने को रिक्रिएट करना और अच्छी तरह निभाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है. नेहा ने आउटस्टैंडिंग काम किया है. मुझे लग रहा है कि हर चीज़ में एक चेंज बहुत ज़रूरी होता है, नेक्स्ट लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी होता है और हर गाने को एक नया ट्विस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड डू इट करेक्टली एंड आई थिंक दे हैव डन इट राइट. डायरेक्टेड बाय विशाल पांड्या एंड प्रोड्यूस्ड बाय टी सीरीज फिल्म्स, हेट स्टोरी 4 इज स्लेटेड टू हिट द स्क्रीन्स ऑन द 9th ऑफ मार्च.